हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर मोशन आपका कंटिन्यू है। चैप्टर मोशन, ठीक है। आप इससे पहले मैंने आपको टॉपिक समझा रखे हैं, व्हाट इज डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। नाउ द टर्म इज दैट एक्सीलरेशन, ठीक है, एक्सीलरेशन। इसके बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा आइडिया दिया था कि व्हाट इज द एक्सीलरेशन, ठीक है। तो एक्सीलरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, बिकॉज एक्सीलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट इसके ऊपर एरो हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इट मींस क्या होता है कि एक्सीलरेट करना, किसी चीज की स्पीड को कम या ज्यादा करना। एक्सीलरेशन वी कैन से इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी के चेंज होने की रेट क्या है, कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज होती है। रेट का मतलब होता है टाइम, कि कितने टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है। इट मींस वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, की वेलोसिटी कितने टाइम में चेंज होती है, ठीक है। सो वी कैन सी कितने टाइम में चेंज हो रही है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, की वेलोसिटी की चेंज होने की क्या रेट है, किस दर पर वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक घंटे में वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक सेकंड में हो रही है, या एक मिनट में हो रही है, दैट इज। सो वी कैन से व्हाट इज द एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज चेंज इन वेलोसिटी, फॉर्मूला लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। अब चेंज जब भी चेंज होता है तो बाद वाली वैल्यू में क्या चेंज है और इनिशियल क्या वैल्यू है, उन दोनों में चेंज निकालते हैं, ठीक है। चेंज कैसे, जैसे मैं आपको चेंज निकालना हो तो आपको, आपने कोई चीज परचेज करी 50 रुपीज में, अगले दिन वही चीज सेम परचेज करी 90 रुपीज में, तो कितना चेंज आए वैल्यू में, कितना चेंज आए, तो आप क्या करेंगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, यानी 90 में से आप 50 को माइनस करेंगे। सेम यहां पर है, वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो आप कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी। हमेशा जब भी चेंज निकालते हैं, जो बाद वाली वैल्यू होती है उसको पहले लिखते हैं, और जो इनिशियल वैल्यू होती है उसको बाद में लिखते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इसको मैसेज लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय वी माइनस इनिशियल वेलोसिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू, यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइडेड बाय आपका टाइम का सिंबल हो गया, ठीक है। अगर मैं एरो को स्किप कर दूं तो ऐसे लिख सकते हैं ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सीलरेशन, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप एरो ऊपर लगाएंगे, ठीक है। तो अब वेलोसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड, तो सेकंड नीचे आ जाएगा तो आपका हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ एम एस माइनस टू, ठीक है, टू ये एस टू पर चला जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस टू, माइनस में आ जाएगा, तो दिस इज द एस आई यूनिट, ये हो गई एस आई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। एस आई यूनिट हो गई हमारी एक्सीलरेशन की, ठीक है। एक्सीलरेशन के बाद नेक्स्ट है हमारा टर्म, व्हाट इज द टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, क्या है टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन के टाइप्स में फर्स्ट इज दैट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि व्हेन द वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, जब आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है टाइम के अकॉर्डिंगली, आपकी वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होती है। जैसे मैं कहूं जीरो से वेलोसिटी, आप रेस्ट में हैं, रेस्ट से आपकी वेलोसिटी हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, देन 8 मीटर पर सेकेंड, देन 10, हमेशा वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। आप जीरो से चले थे, रेस्ट पे थे, उसके बाद आपकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, देन 5 मीटर पर सेकेंड, देन 8 मीटर पर सेकेंड, देन 10 मीटर पर सेकेंड, देन 12 मीटर पर सेकेंड, ऑलवेज इंक्रीजेस। सो वी कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ द 12 मीटर पर सेकेंड। सो वी कैन से क्या देख रहे हैं हम, कि हमेशा वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहले 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, फिर उसके बाद, यानी अगर मैं टाइम इंटरवल देखूं पहले सेकंड में, फिर टाइम इंटरवल देखूं अगले एक सेकंड में, फिर अगले एक सेकंड में, फिर अगले एक सेकंड में, ठीक है। तो मैंने क्या देखा यहां पर, पहले एक सेकंड में वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकंड, अगले एक सेकंड में वेलोसिटी फिर बढ़ गई, ठीक है। पहले 5 मीटर पर सेकंड थी, अब कितनी हो गई अगले सेकंड में, 8 मीटर पर सेकंड। फिर आपने क्या देखा, अगले सेकंड में वेलोसिटी बढ़ गई, यानी 10 मीटर पर सेकंड, देन एंड सो ऑन 12 मीटर पर सेकंड। इट मीन्स की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है इन एवरी सेकंड। सो वी कैन से दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल कि आप
कहीं खाली रोड पर अपनी गाड़ी को ले जाते हैं, पहले आपने गाड़ी चलाई 50 किलोमीटर पर आवर से और फिर उसी की स्पीड को बढ़ा देते हैं और आपने ले ली 80 किलोमीटर पर आवर से, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द, बिकॉज आपने वेलोसिटी इंक्रीज कर दी 50 to 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, इट मीन्स दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर मैं दूसरी बात करती हूँ निगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है निगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है नेगेटिव एक्सीलरेशन की अगर मैं बात करूं तो नेगेटिव एक्सीलरेशन इज द एग्जाम्पल, नेगेटिव एक्सीलरेशन वी कैन से कि नेगेटिव एक्सीलरेशन इट मींस द व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस वी कैन से कि व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, अगर वेलोसिटी क्या होती है डिक्रीज होती है आपकी, ठीक है नेगेटिव एक्सीलरेशन इज दैट कि आपकी वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीजेस विद टाइम, ठीक है वेलोसिटी क्या हो रही है आपकी डिक्रीज हो रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजेस विद टाइम, यानी वेलोसिटी आपकी डिक्रीज होगी टाइम के अकॉर्डिंगली, सो दैट दिस इज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। सो वी कैन से कि आप देखिए अगर वेलोसिटी डिक्रीज कर रहे हैं तो आपका एक्सेलरेशन क्या आएगा नेगेटिव आएगा, यानी एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस में आएगी, जबकि मैं अगर ऊपर वाला केस कंसीडर करूं तो इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव में आएगा, अभी निकाल के दिखाते हैं, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, अब देखेंगे वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सपोज दैट कि आपने शुरू में आपकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड और उसके बाद आप आ गए 5 मीटर पर सेकेंड से, 5 मीटर पर सेकेंड पे गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है टाइम इंटरवल आपका हो गया हाँ मान लीजिए 1 सेकेंड में, पहले आपने गाड़ी चलाई 10 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट करी लेकिन ले गए कितने पे 5 मीटर पर सेकेंड पे, तो इस समय आपकी क्या है 10 मीटर पर सेकेंड से 5 मीटर पर सेकेंड पे आई, इसका मतलब ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी और ये आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है तो अब इस केस में एक्सेलरेशन देखते हैं क्या होता है, a इज इक्वल टू होता है v माइनस u अपॉन t, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, तो v क्या है 5 - 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम, कितने टाइम का डिफरेंस है 1 का, तो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है अगर मैं ऊपर वाला केस कंसिडर करूं यहाँ पर, ठीक है ऊपर वाले केस में कि नहीं दो 5 और 8 के बीच में लू कि जब वो 5 मीटर पर सेकेंड से 8 मीटर पर सेकेंड पे जा रहा है तो देखते कितना एक्सेलरेशन है, यानी ये 5 से 8 पे जा रहा है, इसका मतलब ये हो गया यू और ये हो गया वी, तो लेके चलते हैं आपका एक्सेलरेशन निकालेंगे, ऊपर वाले केस के लिए निकाल रही हूँ, इस वाले केस के लिए तो आप देखेंगे एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया, यहाँ निकाल देते हैं तो एक्सेलरेशन हो गया वी माइनस यू अपॉन टी, ठीक है तो वी माइनस यू अपॉन टी आपने फॉर्मूला लिखेंगे, वी कितना है ऊपर के वाले केस में देखेंगे वी कितना है हमारे पास 8 और यू कितना है 5, तो 8 - 5 डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो 3 मीटर पर सेकंड आप देख रहे हैं 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस कि यहाँ पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव आया, दिस इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन आएगा क्योंकि वेलोसिटी क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है, जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द पॉजिटिव एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज विद टाइम, जब आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी माना 5 से वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है ऑब्वियसली रेस्ट पे आ गया नहीं वो 0 हो गई, तो अब इस केस में ये u हो गया और ये v हो गया, निकाल सकते हैं अगर मान लो वो 5 से रेस्ट पे आ गया तो अब कैसे निकालेंगे, माना वेलोसिटी थी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड से वो रेस्ट पे आ गया, रेस्ट का मतलब हो गया 0 पे आ गया, तो अब यानी ये u है और ये आपका v है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, अब v कितना है रेस्ट यानी 0 पे है, माइनस कितना है 5 मीटर पर सेकेंड इनिशियल से डिवाइडेड टाइम यानी माइनस के 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या किसमें आई है माइनस में आई, सो वी कैन से कि व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम सो दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन जो है इट इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कहलाता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसेलरेशन, ठीक है रिटार्डेशन और डिसेलरेशन ये दो और नाम है इसके नेगेटिव एक्सेलरेशन के, ठीक है ये याद रखना पॉजिटिव एक्सेलरेशन हमेशा वैल्यू आंसर प्लस में आएगा और नेगेटिव एक्सेलरेशन में आंसर आपका हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाता है। अब मैं बात करती हूँ इसकी, नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव हो गया नेगेटिव हो गया, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन, अब देखो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब है आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आनी है जीरो आनी चाहिए, अब जीरो कब आएगी जब एक ऑब्जेक्ट कॉन्स्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करे, एक्सेलरेशन जीरो है, जीरो का मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है जीरो आए, ठीक है एक्सेलरेशन जीरो कब होगा जब एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो एक्सेलरेशन विल बी जीरो, सपोज दैट मैं कहूं कि वो 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड से पहले सेकेंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड अगले में भी 5 मीटर पर सेकेंड
फिर अगले में भी वो 5 मीटर पर सेकेंड, यानी वो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, मीन्स कि इट हैज द जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर चला जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, पहले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकेंड है, तो यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, इट मूव्स विद द सेम मैग्नीट्यूड के साथ मूव कर रहा है ऑन अ स्ट्रेट पाथ पर मूव कर रहा है। सो वी कैन से कि यहां पर अगर मैं इन दो पोजिशन में निकालू एक्सेलरेशन, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, पहले सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड थी, आगे बढ़ गया वो तब भी 5 मीटर पर सेकंड थी, यानी ये वाली वेलोसिटी यू हो गई और ये क्या हो गई वी, बाद वाली को वी लिखेंगे, अब वी माइनस यू अपॉन टी तो 5 माइनस इनिशियली 5 है और फाइनली 5 माइनस 5 और टाइम इंटरवल कितने का डिफरेंस है 1 सेकंड का, 1 यानी फास्ट में 0 बाय 1 यानी 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी जब ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट एक ही वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इट मींस वी कैन से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इट मींस कि जब मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, इट मींस इट हैज अ जीरो एक्सीलरेशन, क्या कहलाएगा वो, जीरो एक्सीलरेशन के अंतर्गत आता है, फॉर एग्जाम्पल कि जीरो एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं अब मैं इन तीनों को डिफाइन बता देती हूँ, आपकी टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन हमारे पास हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन इफ वेलोसिटी इंक्रीजेस विद टाइम, अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है अकॉर्डिंग टू टाइम, देन एक्सीलरेशन विल बी पॉजिटिव, आपका एक्सीलरेशन क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। द कार पिक अप द स्पीड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे आप कार की स्पीड को बढ़ा देते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया कि 50 किलोमीटर पर आवर से कार की स्पीड जो 60 टू 70 कर दिया, हमेशा क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है पर आर में, नेगेटिव एक्सेलेरेशन व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विद टाइम, अगर आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलेरेशन क्या होगा नेगेटिव माना जाएगा, इट इज आल्सो कॉल्ड रिटार्डेशन एंड इट इज आल्सो कॉल्ड डिसेलेरेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक टू स्टॉप अ मूविंग कार, ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे आपने एक कार है, ठीक है, चलती हुई कार को एक ब्रेक लगा दिया, स्टॉप कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, रोकने के लिए आपने जब ब्रेक लगाई तो मतलब कार की स्पीड डिक्रीज हो गई, और जब इसकी जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है तो वो किस में आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन में, नेक्स्ट जीरो एक्सेलरेशन इफ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कांस्टेंट का मतलब होता है, नाम बताया था मैंने पहले भी, यूनिफॉर्म कहलाता है, तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, सो द एक्सेलरेशन विल बी जीरो, आपका एक्सेलरेशन क्या माना जाएगा जीरो माना जाएगा, ठीक है। द मोशन ऑफ कार इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग द स्पीड, यानी एक कार का मोशन स्ट्रेट लाइन में है विदाउट चेंजिंग द स्पीड, एक ही मैग्नीट्यूड के साथ करना है स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में, द मोशन ऑफ ए कार, मान लो एक कार चल रही है एक स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में चल रही है, स्ट्रेट पाथ पर चल रही है, ठीक है, कहीं मोड़ नहीं है उसमें, एंड विदाउट चेंजिंग द स्पीड, और वैल्यू जो है स्पीड की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, यानी अगर आप 5 मीटर पर सेकंड से गाड़ी ले जा रहे हैं तो 5 मीटर पर सेकंड से ही चलनी है, मान लीजिए आप अपनी कार को एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करा रहे हैं जहां टर्न नहीं, आपको टर्न नहीं देना है, लेकिन कार आपकी मूव कर रही है विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ इन अ स्ट्रेट पाथ पर मूव करिए, ऑन स्ट्रेट पाथ मैग्नीट्यूड विल बी सेम 50 किलोमीटर पर आवर, हर आवर में उसकी जो स्पीड रहती है वो कॉन्स्टेंट रहती है, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द जीरो एक्सेलरेशन में आ जाएगा आपकी वैल्यू, एक्सेलरेशन का आंसर क्या होगा जीरो होगा, सो दिस इज द नेक्स्ट टर्म दैट इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, आपका नेक्स्ट टर्म आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किसे कहते हैं, एक्सीलरेशन, ठीक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म का मतलब है कॉन्स्टेंट, फिर वही वाली बात, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज होना है पर यूनिट टाइम में, ये एक्सेलरेशन का मतलब, यूनिफॉर्म का मतलब एक समान जो चेंज नहीं होनी, यानी व्हेन वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी जब वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय इक्वल अमाउंट के साथ, अब डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है नो मैटर, यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज भी हो सकती है वेलोसिटी डिक्रीज भी हो सकती है, लेकिन ये याद रखना है यूनिफॉर्म वैल्यू के साथ, कांस्टेंट वैल्यू के साथ, सो वी कैन से व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट और डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट के साथ होनी, यानी वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, सो वी कैन से चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इक्वल अमाउंट बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी व्हेन वेलोसिटी चेंज इन वेलोसिटी, देखिए एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज हो रही है पर यूनिट टाइम में, लेकिन कैसे चेंज हो रही है, इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो या अनइक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रही है, कांस्टेंट का मतलब होता है एक समान, तो यानी इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रही है, व्हेन वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट एक्सीलरेशन, क्या कहलाता है ये, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के सपोज इट कि मैं कहूं कि
आपने एक कार को स्टार्ट किया 0 मीटर 0 से, रेस्ट से स्टार्ट किया, और जहां कार की स्पीड हो गई 5 मीटर पर सेकेंड, फिर पहले सेकेंड में, ठीक है। इसके बाद आपने कार ले गए अगले सेकेंड में, आपकी कार की स्पीड, वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, याद रखना चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज होगी लेकिन इक्वली अमाउंट के साथ चेंज होगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होना, इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। इट मीन्स अब आपकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड अगले सेकेंड में, फिर आपकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड अगले सेकेंड में, यानी पहले 5 सेकेंड में कितने का डिफरेंस, पहले सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड का डिफरेंस आया, अगले सेकेंड में फिर 5 से 10 पे बढ़ी, फिर भी 5 मीटर पर सेकेंड के साथ आई, ठीक है, फिर 10 से 15 हो गई, तब भी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स कि वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, देखिए वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, पहले रेस्ट पे थी अब 5 मीटर पर सेकेंड हो गई, अगले में देखिए हमने वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड बढ़ा दी, है ना, और फिर 15 मीटर पर सेकेंड या फिर 20 या फिर 25, यानी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन कैसे हो रही है, इक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। इक्वल अमाउंट कैसे है, 0 से 5 में कितने का डिफरेंस है, 5 का, 5 से 10 पे कितनी वैल्यू का डिफरेंस है, 5 मीटर पर सेकेंड, 10 से 15 पर कितनी वैल्यू का डिफरेंस है, वही 5 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, किसका एग्जांपल है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सो वी कैन से व्हेन वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब हमारी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट के साथ चेंज होती है, सो वी कैन से दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, किसमें आता है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अब देखिए जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक स्टोन है, स्टोन को जब हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आपने जिस वेलोसिटी से उसको ऊपर फेंका, तो आप जानते हैं कि जब आप अपोजिट टू ग्रेविटी फेंकते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड। आप जब एक स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं, वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड की अमाउंट से वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। सो वी कैन से वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, है तो एक्सीलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। देखिए जब आपने स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो किया तो आपकी वेलोसिटी जो है चेंज होगी, यानी ऊपर की ओर वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि आप अपोजिट टू ग्रेविटी उसको फेंक रहे हैं, ठीक है, तो आपकी जो वेलोसिटी है स्टोन की वो डिक्रीज होगी, किस अमाउंट के साथ, एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, दिस इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। मीन्स वी कैन से कि वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जब हम एक स्टोन को ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड के साथ डिक्रीज होती है, यही कारण कि वो डिक्रीज हो जाती है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर उसकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है और उसकी हाइट एक सर्टेन हाइट पर वो रुक जाता है और फिर वापस नीचे आना शुरू करता है। सो वी कैन से दिस इज अ एग्जांपल कि व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड द वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट, डिक्रीजेस होती है हर बार इक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज हो रही है बाय 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, दिस इज अ एग्जांपल इन द केस। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हम देखें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब, एक्सीलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी, सेम पॉइंट चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है इन पर यूनिट टाइम में, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, बट वेलोसिटी नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ, चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी तो चेंज होगी, अब चाहे वो इंक्रीज हो चाहे वो डिक्रीज हो, यहाँ कोई मतलब नहीं है, एक्सीलरेशन का मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चाहे वो इंक्रीज करे चाहे वो डिक्रीज करे, बट वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ, है ना, नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ क्या होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। सो वी कैन से वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज दैट कि मैं कहूँ पहले रेस्ट से शुरू किया हमने, तो अपनी कार को ले गए 5 मीटर पर सेकेंड पहले इंटरवल के लिए, फर्स्ट सेकेंड के लिए, फिर उसके बाद आपने ले ली 7 मीटर पर सेकेंड से चलाई, वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट, याद रखना चाहे वो वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी कैसे होनी है, नॉन कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ चेंज होनी है। अब 5 से 7 पे आ गए तो यहां से यहां जो डिफरेंस था वो कितने का था, 5 मीटर पर सेकेंड का, अब यहां पे कितने का डिफरेंस आ गया, इन दो वैल्यू के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 मीटर पर सेकेंड से चलाई, ठीक है। अब यहां पे आपने फिर आगे बढ़े, फिर आपने मान लो 12 मीटर कर दी, ठीक है, तो अगले सेकेंड के लिए आपने पहले 5 मीटर पर सेकेंड फिर 7 मीटर पर सेकेंड, फिर आपने कितने का डिफरेंस लिया, 12 मीटर पर सेकेंड। तो देख रहे हैं आप, पहले सेकेंड में आपने 5 मीटर पर सेकेंड से गाड़ी चलाई, अगले सेकेंड में आप ये इससे रहने दीजिए, पहले सेकेंड में आपने अपनी कार को मूव कराया फर्स्ट सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड से,
फिर आपने मूव कराया 7 मीटर पर सेकंड से, फिर कराया 12 मीटर पर सेकंड से अगले सेकंड में, और माना अगले सेकंड में कराया 16 मीटर पर सेकंड से। तो आप देख रहे हैं इन एवरी सेकंड, पहले सेकंड, दूसरा सेकंड, थर्ड सेकंड एंड फोर्थ सेकंड। सो वी कैन से कि इन फर्स्ट सेकंड में आपकी कार मूव करती है 5 मीटर पर सेकंड से, नेक्स्ट सेकंड में आप, नेक्स्ट 1 सेकंड में आपकी कार मूव करती है 7 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, नो मैटर की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है इंक्रीज हो रही है। आपकी नेक्स्ट 3rd सेकंड में आपकी जो है वेलोसिटी फिर से चेंज हो रही है, अब 7 के बाद कितना 12 मीटर पर सेकंड में, जबकि अलग अलग अमाउंट के साथ चेंज हो रही है। देखो पहले 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस है, 5 के बाद 7 मीटर, यानी आपने सिर्फ 2 मीटर पर सेकंड इंक्रीज करी है। अब मैं फिर से बात करूँ तो 7 मीटर पर सेकंड से 12 मीटर पर सेकंड पे आई आपकी स्पीड, इसका मतलब क्या है कि आपने कितने का डिफरेंस यहाँ दिया है, 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस दिया। अगले फोर्थ नेक्स्ट सेकंड में आपने स्पीड कर ली 16 मीटर पर सेकंड, यानी आपने पहली वैल्यू का कितना इंक्रीज करा, ठीक है, 4 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज करी, यानी अनइक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी आपकी चेंज हो रही है, ठीक है। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या कहलाता है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। आई सो यू विल अंडरस्टैंड द एग्जांपल की व्हाट इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन व्हेन वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब वेलोसिटी चेंज होती है नॉन कॉन्स्टेंटली चेंज होती है। सो वी कैन सी व्हेन वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट, ठीक है, वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, क्या कहलाता है ये, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले सेकेंड में आपने 5 मीटर पर सेकंड से किसी गाड़ी को ले गए, उसके बाद आपने अगले सेकंड में स्पीड करी 7 मीटर पर सेकंड, यानी आपने कितनी स्पीड बढ़ाई, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड ही बढ़ाई, ठीक है। अगर आपने अगले सेकंड में अपनी गाड़ी को ले गए 12 मीटर पर सेकंड से चला रहे हैं, तो यानी आपने पहले 7 मीटर पर सेकंड से चलाई तो आपने कितने का डिफरेंस दिया, 5 मीटर पर सेकंड का डिफरेंस दिया, ठीक है। फिर आपने 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड कर दी तो आपने कितने सेकंड का डिफरेंस, कितने मीटर पर सेकंड से बढ़ाई, 4 मीटर पर सेकंड से। इट मीन्स वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो अनइक्वल चेंज आ रहा है, अनइक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो दिस इज अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, क्या कहलाता है ये, नॉन कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन। आप देखेंगे इसमें नेक्स्ट आप देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यदि आपकी वेलोसिटी चेंज होती है एक ऑब्जेक्ट की चेंज बाय इक्वल अमाउंट, अब वेलोसिटी चेंज का मतलब याद रखना चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, होगी इक्वल अमाउंट के साथ, इक्वल अमाउंट के साथ चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द एक्सीलरेशन विल बी यूनिफॉर्म, और आपका एक्सीलरेशन क्या कहलाया जाएगा, यूनिफॉर्म कहलाया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब हम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं देन वेलोसिटी डिक्रीजेस बाय सेम वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड से डिक्रीज होती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू के साथ डिक्रीज होती है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज, अब वेलोसिटी चेंज हो रही चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी चेंज होगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द एक्सीलरेशन विल बी नॉन यूनिफॉर्म, और आपका एक्सीलरेशन कैसा होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, अगर इंक्रीज हो रही है वेलोसिटी तो आपका नॉन यूनिफॉर्म क्या कहलाएगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन। अगर अनइक्वल अमाउंट के साथ डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, डिग्रीज हो रही है, तो आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का एग्जांपल, में नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन में चला जाएगा। तो हमें तो यहाँ बताना है कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज हो रही है चाहे वो इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, ठीक है, सो द वेलोसिटी चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। द मोशन ऑफ ए कार ऑन ए क्राउडेड रोड, आप एक गाड़ी को बहुत बड़ी बहुत भीड़ भाड़ वाली सड़क है बहुत ज्यादा क्राउडेड प्लेस है वहां पर ले जा रहे हैं, तो ओब्वियसली जहां थोड़ा सा खाली आएगा अपनी स्पीड को बढ़ा देंगे, जहां थोड़ा सा भरा हुआ प्लेस आएगा वहां पर स्पीड को कम कर देंगे, फिर थोड़ा खाली आया फिर बढ़ा देंगे, तो आपकी अनइक्वल अमाउंट के साथ स्पीड क्या होगी, कम ज्यादा होगी। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। सपोज कि आपने क्राउडेड प्लेस पर कार चलाई और आपने उस समय आपकी स्पीड थी कार की 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, आपको थोड़ा सा खाली रोड मिल गया और आपने फटाफट से 40 किलोमीटर पर आवर कर दी, ठीक है, फिर नेक्स्ट आवर में फिर आपको थोड़ा सा भरा हुआ मिल गया, फिर आपने बहुत कम और 5 किलोमीटर पर आवर से चला पाई, इतना ज्यादा रश था, तो अनइक्वल अमाउंट के साथ आपकी वेलोसिटी क्या हो रही है, देखिए अब 10 से 40 के बीच में जब आपने चलाई तो कितनी स्पीड रखी, 30 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस डाला यहाँ पे, ठीक है, और 40 से जब 5 की स्पीड पर ले गए तो इसका मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आपने कम कर दी, ठीक है, 10 से 40 पे ले गए और 40 से सीधी 5 किलोमीटर पर आवर पे आपने डिफरेंस डाल दिया, यानी आपकी जो वेलोसिटी है वो अनइक्वल अमाउंट के साथ चेंज हुई है, आपने 10 से 40 किलोमीटर पर आवर पे स्पीड बढ़ाई आपने, ठीक है, तो अनइक्वल, और फिर 40 से सीधी 5 कर दी तो अनइक्वल अमाउंट के साथ वेलोसिटी यहाँ चेंज हुई।
सो दिस इज द पॉजिटिव सॉरी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन. किसमें चला जाएगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में. ठीक है, नेक्स्ट है टॉपिक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन. ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर मैं आप करूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में, तो देखो ग्राफ बनाने हैं इसमें हमारे पास दो टाइप के ग्राफ पड़ेंगे. एक तो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ. ठीक है, और दूसरा आएगा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ठीक है, एक हमारा आएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा क्या आएगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसमें क्या करना है कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आप जब प्लॉट करोगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर करेंगे. इसमें क्या होगा, जो एक्स एक्सिस होगा उस पर आप टाइम लेके चलेंगे. ठीक है, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे डिस्टेंस, चाहे वो मीटर में लें चाहे आप किलोमीटर में. टाइम को किसमें रखना है, सेकेंड में, आवर में, मिनट में, जो भी रखना है आपने दिया हुआ है डाटा में, जो दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग आप रखेंगे. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस पर रखेंगे टाइम, और वाई एक्सिस पर जो आपका वाई एक्सिस है इस पर रखेंगे आप वेलोसिटी. ठीक है, अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इस ग्राफ का स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है तो इसमें हमें एक चीज बतानी है, स्लोप क्या होता है. ठीक है, स्लोप बताना है. स्लोप, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप का मतलब हो गया, माना कोई भी ग्राफ किसी लाइन पे है, माना एक ग्राफ है, इसकी लाइन ऐसे आ रही है. ठीक है, तो इस लाइन पर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का आपको स्लोप बताना है. स्लोप का मतलब होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, आप जानते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको मैंने पहले बता रखा है, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो ये भी तो डिस्टेंस अपॉन टाइम है. डिस्टेंस अपॉन टाइम है, इसका मतलब ये क्या बताएगा, स्पीड को बताएगा. तो यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, स्पीड को बताएगा. ठीक है, यानी स्लोप इज द रेशियो बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट्स ऑन द वाई एक्सिस एंड बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस. ठीक है, अगर मैं दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स ले लूं वाई एक्सिस पर, ये दो पॉइंट हो गए. ठीक है, और एक्स एक्सिस पर भी दो पॉइंट ले लूं, तो ऐसे ले रहे हैं. ठीक है, तो इन दो पॉइंट्स के डिफरेंस का रेशियो वाई एक्सिस टू द एक्स एक्सिस लेना है. तो आपका स्लोप हो गया वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऐसे लिखाना है स्लोप इसका, वाई एक्सिस पर डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस. तो स्लोप आपको पता चल जाएगा. तो स्पीड इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाते हैं आप, डिस्टेंस अपॉन टाइम फॉर्मूला होता है आपका, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो अब इस केस में माना ये आपकी डिस्टेंस है एस वन और ये डिस्टेंस है एस टू. ठीक है, यहां पर ये टाइम मान लो टी वन और ये बात का टाइम है टी टू. तो आपको स्लोप निकालना है. ठीक है, स्लोप का मतलब क्या निकालना है आपको, स्पीड. स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां आपको आप कैसे निकालेंगे, एस टू माइनस एस वन डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन. ठीक है, तो इस टाइप से आपको स्लोप निकलेगा. इट मीन्स वी कैन से कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है से हम क्या निकालते हैं, स्पीड को निकालते हैं इसका, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप है दैट रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कवर्ड बाय स्पीड जो है आपके ऑब्जेक्ट की क्या बताता है, स्पीड को बताता है. ठीक है, तो इस टाइप से हम निकालते हैं. तो कोई भी दो पॉइंट, कोई भी जो आपका ग्राफ है उसके दो पॉइंट आप जब कंसीडर करेंगे तो उस दो पॉइंट से आप वाई एक्सिस पर दो पॉइंट लेंगे और एक्स एक्सिस पर दो पॉइंट, तो उन दोनों का रेशियो निकालेंगे. जब आपको रेशियो रखना है वाई एक्सिस टू द एक्स एक्सिस, तो जब आप रेशियो निकालते हैं तो आपको क्या पता चल जाता है, स्लोप. इट मीन स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या बताता है, स्पीड को बताता है. ठीक है, तो अब हम कैसे देखते हैं इसके लिए. ठीक है, तो अब आप कैसे निकालेंगे इसमें, पहला केस लेते हैं. फर्स्ट केस है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेना है, डीटी ग्राफ बोलते हैं. डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, एक ही बात है. अगर मान लो ये कहता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए, तो आप एक्स एक्सिस पर टाइम लेंगे और वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट रखेंगे. अगर वो कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है, तो एक्स एक्सिस पर टाइम लिखेंगे और वाई एक्सिस पर आप डिस्टेंस को लेंगे. ठीक है, तो जैसे वो देता है एक ही बात है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही बात है. तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना है पहला यूनिफॉर्म मोशन के लिए. यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन के लिए. ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो या यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हो, यूनिफॉर्म स्पीड के लिए हो तो एक ही जैसा है. अगर वो कहेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनाइए, ग्राफ तो एक जैसा होगा लेकिन नाम में फर्क है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनवाएगा तो हो गया डिस्प्लेसमेंट टाइम लग जाएगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा. ठीक है, अगर हमसे कहता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाइए तो वो यूनिफॉर्म मोशन के लिए माना जाएगा या वो यूनिफॉर्म स्पीड के लिए माना जाएगा, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम. अगर वो कहता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनाइए, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए बनाइए,
तो वो अगर हमसे कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनाइए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो आप जो ग्राफ बनाएंगे वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का बनाएंगे। इट मींस कि आप रखेंगे एक्स एक्सिस पर रखेंगे टाइम और वाई एक्सिस पर रखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, कंसिडर करते हैं ग्राफ की डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए आपका जो ग्राफ है वो कैसा है, तो अब देखेंगे यूनिफॉर्म का मतलब तो कॉन्स्टेंट स्पीड है ना। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है व्हेन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहाँ पर कंडीशन आती है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या मैं कहूँ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर इसके केस में कंसिडर करेंगे तो यहां बताएंगे ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अब क्या बताते हैं कि माना पहले सेकेंड में मैं कह रही हूं इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो माना पहले सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, दूसरे सेकेंड में 10 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, तीसरे सेकेंड में वो 15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, चौथे सेकेंड में कितनी 20 हो गई, 20 मीटर की डिस्टेंस, और 5 सेकेंड में वो डाटा है इसका और 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। समझ रहे बात, देखिए कैसे बनाए स्ट्रेट लाइन पाथ पर हम चले, ये जीरो से कितनी पहले सेकेंड में उसने 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, फिर अगले एक सेकेंड में उसने कितनी टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली यहां तक की, ठीक है, फिर उसने अगले सेकेंड में टोटल कितने डिस्टेंस कवर कर रखी है 15 मीटर की, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, फिर उसने अगले सेकंड में 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी और अगले सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रखी है, यानी हर बार वो कितनी डिस्टेंस से आगे बढ़ रहा है, 5 मीटर की डिस्टेंस से आगे बढ़ा। देखेंगे यहां से यहां तक 5 मीटर की डिस्टेंस आगे बढ़ाई, फिर उसने आगे 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी तो 10 पे पहुंच गया, फिर उसने 5 मीटर डिस्टेंस कवर अप की तो 15 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका है। तो ऐसे यानी ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इसके लिए ग्राफ अगर प्लॉट करें तो हम क्या देखेंगे, ऐसे बनेगा ग्राफ। ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है, कॉपी पे ड्रॉ करना है, मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, आपको ये आप बार बार कोई नहीं पूछेंगे कि हमें ग्राफ किस पे बनाना है, आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है या नहीं, आपको डायरेक्ट नोटबुक में ही ये ग्राफ जो है मैंने नोट्स में पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगी, तो वैसे ही सेम आपको नोटबुक में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो आपका जैसे है ये एक्स एक्सिस हो गया, आप इस पर रखेंगे टाइम, ये आपका हो गया सेकेंड में, आपने इस पर रखी डिस्टेंस है, और ये आपका अपने मीटर में लेके चलें, डाटा में मीटर में रखिए, किलोमीटर होगी तो किलोमीटर में रखेंगे, मीटर में ले ली, ठीक है। अब टाइम का है 1 सेकंड का डिफरेंस है, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, 0 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और 5 सेकंड, 5 सेकंड हो गए। डिस्टेंस 5 10 का है, तो यानी 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर और ये 25 मीटर। आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, पहले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस पर गया, फिर अगले सेकंड में 5 मीटर आगे बढ़ के 10 मीटर कवर कर ली, फिर 5 मीटर आगे बढ़ के 15 मीटर, तो हर बार वो इक्वली डिस्टेंस कवर कर रहा है, और वी कैन से इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, ठीक है। तो बस टर्म चेंज कर देंगे यहाँ पे, अगर वो कहता है यूनिफॉर्म के साथ बताइए तो आप बताएंगे इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर वो कहता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए बताएंगे तो आप बताएंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ग्राफ कैसे बनेगा आप देख लेंगे, पॉइंट्स लगाएंगे इसके लिए, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, पहले सेकंड में 5 मीटर तो पॉइंट लग गया यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है, इसको ऐसे बनाएंगे, दूसरे सेकंड में फिर कहां तक गया यहां पर 10 मीटर की कवर कर रखी है, तीसरे सेकंड में 15 मीटर की कवर है, इसको ऐसे प्लॉट कर देंगे, ठीक है, एंड सो ऑन, चौथे सेकंड में यहां पर पहुंच गया, ठीक है, इस टाइप से। अब देख रहे ग्राफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है, सो वी कैन से फॉर द यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है जो कि ऊपर की ओर जा रहा है, उसका स्लोप कहाँ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मान लो मैं इसका स्लोप निकालू, किसी दो पॉइंट के बीच में स्लोप निकालू, मान लो मैं इस जो इसके कर्व जो लाइन है इसकी स्ट्रेट लाइन, इस पर मैंने कितनी दो पॉइंट कंसिडर कर ली, ये दो पॉइंट, ठीक है, माना इसका इन दो पॉइंटों के लिए, इस दो पॉइंट के लिए मुझे निकालना है स्लोप, ठीक है, स्लोप निकालूंगी तो मैं इधर से एक लाइन और इधर से एक लाइन इधर डाल देंगे वाई एक्सिस पर, और इधर से नीचे लाइन डाल देंगे, इस पॉइंट सेम पॉइंट से नीचे लाइन कंसीडर करेंगे, ये वाली, ये आपने कंसीडर करनी, ठीक है, ये पॉइंट आपने कंसीडर करे, इस टाइम को डाल दिया T1 और इस टाइम को डाल दिया आपने T2, ठीक है, इधर डिस्टेंस डालेंगे ये S2 और ये S1, इधर की डिस्टेंस हो गई आपकी S2 और ये क्या हो गई S1, तो कंसीडर करेंगे स्लोप, स्लोप क्या बताता है आपको, स्पीड को बताता है, ठीक है, स्पीड निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हो गई इन दो पॉइंटों के लिए लेना है, तो ये डिस्टेंस हो गई S2,
माइनस एस वन डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम डिफरेंस आ जाएगा टी टू माइनस टी वन, तो आपका कितना है 15 माइनस 10 15 माइनस 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम का डिफरेंस कितना इधर 3 माइनस 2, तो आप कितना आ गया आपका 5 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे बात, तो ऐसे आपका स्लोप निकल गया है। तो स्लोप को रिप्रेजेंट द स्पीड, आपका जो डिस्टेंस टाइम का आपका स्लोप है वो क्या बता रहा है, स्पीड को बता रहा है। सो वी कैन से फॉर द यूनिफॉर्म मोशन और फॉर यूनिफॉर्म स्पीड और वी कैन से फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम, सॉरी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, ठीक है, स्लोपिंग अपवर्ड, ऊपर की ओर स्लोप कर रहा है। ग्राफ क्या है, यूनिफॉर्म मोशन के लिए हो चाहे यूनिफॉर्म स्पीड के लिए, आप बताएंगे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ। अगर वो कहता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनाना है तो आप बताएंगे ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, सेम चीज आएगी प्लॉट हो गए, लेकिन बस यहाँ पर डिस्टेंस की जगह आप क्या पुट करेंगे डिस्प्लेसमेंट और एक्स एक्सिस पर रखेंगे आप टाइम रखेंगे, ठीक है, तो आपने इस टाइप से प्लॉट करेंगे। दूसरा ग्राफ अगर मैं देखती हूँ तो आपके पास आ गया डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया फॉर नॉन यूनिफॉर्म के लिए, नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म आपका हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कह दूं चाहे मैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह दूं एक ही बात है, ठीक है, और फिर सेम पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दूं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह दूं एक ही बात है, ठीक है। अगर ग्राफ कहता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे तो आप एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रखेंगे, सेम पॉइंट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के लिए होगा। लेकिन अगर वो कहता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बनाएंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो आप क्या रखेंगे एक्स एक्सिस पर रखेंगे टाइम और वाई एक्सिस पर, जो वाई एक्सिस है उस पर रखेंगे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म है यानी ऑब्जेक्ट कवर अनिक, इसका मीनिंग क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन सॉरी ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन नॉन यूनिफॉर्म है नॉन कॉन्स्टेंट, यानी वैल्यू कैसी रहनी है नॉन कॉन्स्टेंट रहनी, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, जब डिस्टेंस अलग डिस्टेंस ही नॉन यूनिफॉर्म रहेगी तो स्पीड भी नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी, तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। अगर वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए बोलता है तो आप क्या लिखेंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कर देंगे, बस यहाँ टर्म चेंज हो जाएगा। अगर आप सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाइए फॉर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए तो आप क्या बताएंगे ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस सेम रहेगा और वाई एक्सिस पर आपको पुट करना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब बनाते ग्राफ, वो क्या कह रहा है कि ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, माना वो पहले सेकेंड में जाता है, जीरो से पहले सेकेंड में कवर करता है 5 मीटर की डिस्टेंस, फिर वो करता है 7 मीटर की डिस्टेंस तक आ गया, ठीक है, फिर वो आता है सीधा 12 मीटर की डिस्टेंस पर और फिर आता है 13 मीटर की डिस्टेंस पर, ठीक है, और फिर वो आता है 20 मीटर की डिस्टेंस, यानी यहां तक उसने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। देखेंगे पहले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है जबकि अगले सेकंड में वो सिर्फ 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करके आगे बढ़ा है 7 पर, फिर अगले सेकंड में देखूं तो 5 मीटर की 5 मीटर की डिस्टेंस से वो आगे बढ़ा और फिर अगले सेकंड में वो 1 ही मीटर की डिस्टेंस उसने कवर अप की और लास्ट अगले सेकंड में वो 7 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है। सो वी कैन से अनइक्वल डिस्टेंस और वी कैन से अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। सो दिस इज द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वी कैन से नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। तो अब आप इसके लिए इस डाटा के लिए ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो क्या लिखेंगे, देखेंगे ये आपका हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है, इस पर आप लिखेंगे डिस्टेंस मीटर में और इस पर लिखेंगे टाइम आपका सेकेंड में लिख देंगे, ठीक है, यहाँ पर टाइम हो गया सेकेंड में। अब वो कह रहा है कि इसमें आप क्या बनाएंगे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है, तो देखेंगे पहले सेकेंड में जीरो, ये 1 सेकेंड है, टाइम इस पर रखेंगे 1 सेकेंड, जीरो हो गया 1 सेकेंड, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है, पहले सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, यहां से देखेंगे 20 तक चाहिए तो 5, 10, 15, 20, 25 ऐसे ले लिया हमने, ठीक है, डिस्टेंस मेंशन कर दी मीटर में। अब वो कह रहा है पहले सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, पहले सेकेंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है। अच्छा एक चीज और, हाँ, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब जब ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में,
डिस्टेंस तो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन इसमें एक चीज याद रखनी है, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, दो केस बनेंगे, मैं एक बार दोबारा डाटा फॉर्म कर रही हूँ इसके लिए, ध्यान से देखेंगे। देखिए सारे, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है आपका, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ है आपका, ठीक है, इस ग्राफ के लिए अगर मैं बताऊं तो आप देखिए कैसे यहां पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए ये रखा है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए अगर मैं ग्राफ प्लॉट करती हूँ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इफ अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है इनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अब अनइक्वल डिस्टेंस तो कवर हो रही है, लेकिन ये याद रखना स्पीड बढ़ भी सकती है, स्पीड घट भी सकती है। अगर स्पीड बढ़ेगी तो दो केस है यहां पर, डिस्टेंस तो अनइक्वल कवर हो रही है, लेकिन दो केस हैं, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है व्हेन द स्पीड इंक्रीजेस विद टाइम, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अगर डिस्टेंस टाइम, अगर स्पीड इंक्रीज होगी, अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो आपका जो ग्राफ है वो कर्व लाइन में बनेगा, क्योंकि अनइक्वल अमाउंट के साथ इंक्रीज हो रही है, जो आपकी डिस्टेंस है अनइक्वल अमाउंट के साथ चेंज हो रही है, तो आपकी जो स्पीड बढ़नी चाहिए तो पॉजिटिव स्लोप बनेगा। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म के केस में, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो गया, अभी मैंने आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इट मींस ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, लेकिन यहां पर दो केस हैं, डिस्टेंस भले ही अनइक्वल कवर हो लेकिन स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है लेकिन स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है और स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, ये याद रखना है, अगर स्पीड सिर्फ इंक्रीज ही इंक्रीज होगी तो यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव स्लोप के साथ बनेगा, ये पॉजिटिव स्लोप है, कर्व लाइन बनेगा, ग्राफ कर्व लाइन विथ पॉजिटिव स्लोप। ठीक है, ग्राफ कर्व लाइन बनेगा विथ पॉजिटिव स्लोप के साथ, ऐसे बनेगा ग्राफ। ठीक है, देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो केस आपको रखने हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड कह लें चाहे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कह लें, वेलोसिटी होगी तो आपका टर्म चेंज हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट के साथ। अब देखेंगे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, डिस्टेंस भले ही अनइक्वल कवर हो लेकिन ये याद रखना है कि दो केस हो सकते हैं, स्पीड इंक्रीज भी हो सकती है, स्पीड डिक्रीज भी हो सकती है। अगर सिर्फ स्पीड इंक्रीज हो रही है, सिर्फ इंक्रीज इंक्रीज हो रही है, अनइक्वल डिस्टेंस जब चेंज हो रही है तो आपकी स्पीड सिर्फ इंक्रीज होगी तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे कर्व लाइन बनेगा, दिस इज अ कर्व लाइन फॉर पॉजिटिव स्लोप कहलाएगा, पॉजिटिव स्लोप। लेकिन अगर स्पीड डिक्रीज होगी, अगर यहाँ पे स्पीड डिक्रीज करेगा, अगर सिर्फ स्पीड डिक्रीज होगी तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस तरह से बनेगा, ये भी कर्व लाइन है, कर्व लाइन है एंड नेगेटिव स्लोप कहलाएगा, नीचे की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है इसलिए ये पॉजिटिव स्लोप है, ये नीचे की ओर जा रहा है तो कर्व लाइन तो है विद नेगेटिव स्लोप के साथ, नेगेटिव स्लोप यानी स्पीड क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, स्पीड डिक्रीज होगी नेगेटिव स्लोप के साथ, तो ये दो केस चलेंगे यहां पर। तो अब देखेंगे इसमें, एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे पॉजिटिव स्लोप के लिए ग्राफ देख रहे हैं। देखिए पहले सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस ने कवर करी, दूसरे सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, तीसरे सेकंड में 9 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, चौथे सेकंड में 16 मीटर की डिस्टेंस कवर करी और पांचवें सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। अब जब अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है तो देखेंगे डाटा में दोबारा एक बार मेंशन कर दे रही हूँ क्या है आपका, इधर देखेंगे डाटा क्या है हमारा इसके लिए। पहले सेकंड में वो कह रहा है 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, दूसरे सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस है, तीसरे सेकंड में 9 मीटर की डिस्टेंस है, चौथे सेकंड में 16 मीटर की डिस्टेंस है और अगले सेकंड में 25 मीटर की डिस्टेंस है, कवर अप हो रही है। आप देख रहे हैं अनइक्वल डिस्टेंस है, अनइक्वल डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, पहले सेकंड में तो 2 मीटर की जीरो से चालू करा तो पहले सेकंड में इसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी, अगले सेकंड में 5 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, यानी कितने का डिफरेंस आया, 3 मीटर का, यानी स्पीड भी हो गई 2 मीटर का डिफरेंस आया। ठीक है, अब यहां पे अगला देखेंगे, अगले सेकंड में 9 मीटर तक आ गया, यानी 5 और 4 9 4 मीटर का डिफरेंस आया। ठीक है, 4 मीटर का अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। ठीक है, फिर इसमें इसके बाद 9 के बाद 16 7 मीटर का डिफरेंस आया और 16 के बाद 9 का डिफरेंस आया, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है। देख रहे हैं 2 3 4 7 9 ऐसे अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है यहाँ पे। तो स्पीड जब देखिए डिस्टेंस अनइक्वल है तो स्पीड क्या हो रही है, लेकिन स्पीड इंक्रीज हो रही है। यार देखा 2 3 4 7 9 आपकी डिस्टेंस पहले सेकंड में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर हुई, पर सेकंड का केस है यहाँ पर, सीधा सा हिसाब है पर सेकंड का लेके चल रहे हैं। तो आपने पहले सेकंड में
इन एवरी सेकेंड, हर वन सेकेंड में ये, ठीक है, हर वन सेकेंड में चल रहा है आपका ये। तो पहले सेकेंड में आपने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, यानी 2 मीटर से आगे बढ़े तो आपकी स्पीड हो गई यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। जब आगे और बढ़ाए तो आपने, आपकी स्पीड कितनी हुई, 3 मीटर पर सेकेंड पर ले गए, आपकी जो स्पीड हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, डिस्टेंस आई आपकी 3 मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे पता चला आपकी स्पीड है 3 मीटर पर सेकेंड, इन दो का डिफरेंस देखती हूँ मैं। तो आपने स्लोप निकालेंगे इन दो पॉइंट के बीच का, तो स्पीड आपकी हो गई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यानी 5 - 2 / टाइम का डिफरेंस 1 सेकेंड का है, तो यानी हो गई 3 मीटर पर सेकेंड, आपकी स्पीड बढ़ गई। अगर मैं इन दोनों का केस देखूं तो इन दोनों के केस में आपकी स्पीड रही 4 मीटर पर सेकेंड, स्पीड इंक्रीज हो रही है, यहां देखें तो आपकी स्पीड हो गई 7 मीटर पर सेकेंड, ऐसे एंड सो ऑन। आपकी स्पीड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यही आपको कहना चाह रहा है कि स्पीड क्या होती है, इंक्रीज होती है विद टाइम के साथ। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर स्लोप बना रखा है यहाँ पे, तो इस ग्राफ में देखिए हमने ये डाटा ले रखा है, एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दिया और इसको वाई एक्सिस पर प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। जब हमने इसको एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया तो आप देख रहे हैं पहले सेकंड के लिए 2 मीटर का, पहले सेकंड के लिए 2 मीटर पॉइंट लगाया, अगले सेकंड के लिए कितने का, 5 मीटर का है, तो 5 मीटर पर प्लॉट कर दिया, ऐसे करना है। अगले तीसरे सेकंड के लिए 9 मीटर का, तो 9 मीटर 10 से थोड़ा सा नीचे, एक पॉइंट नीचे मैंने पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अगले फोर्थ सेकंड के लिए 16 मीटर, तो 4 सेकंड को देखेंगे 15 से थोड़ा सा ऊपर लेंगे ये पॉइंट, ऐसे आ गया। और फिर पांच पे अगले फिफ्थ सेकंड पे आपका 25 मीटर, तो 25 पे सीधा प्लॉट कर देंगे आ गया। तो जब आप इसको लाइनों को कंबाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये लाइन बनेगी इस टाइप से, ऊपर की ओर कर्व लाइन बनेगी, एंड ऊपर की ओर जा रही है इसलिए पॉजिटिव स्लोप के साथ जाएगी, तो ठीक है। तो ये तो आपके डाटा जो है, जो ग्राफ है, समझाने के लिए बनाना इस टाइप से होता है आपको, दोनों बनाने वैसे नोटबुक में फिलहाल, तो आपका ये बन जाएगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व लाइन, दिस इज अ पॉजिटिव स्लोप, क्या कहलाएगा ये, पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। नाउ फर्दर आगे का जो होगा टॉपिक आपका रिपीट करें, नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंसीडर इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।